सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा आपने थंबनेल पर से देखा कि आज हम बात करने वाले फैक्टोरियल क्वेश्चन के बारे में, राइट। नॉर्मली हम क्या देखते हैं क्वेश्चन में कि हमें दिया गया था 7 फैक्टोरियल या फिर 6 फैक्टोरियल। नॉर्मली जो फैक्टोरियल होता है ना वो एक ही बार आता है, लेकिन तब क्या होता है जब हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया गया 7 डबल टाइम फैक्टोरियल दिया गया है या फिर 8 ट्रिपल टाइम फैक्टोरियल दिया गया है, तब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके बारे में आज हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ये बहुत ही कंसेप्चुअल होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जब हमें दिया गया हो एन फैक्टोरियल तब हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब हमें ऐसा दिया गया हो कि एन फैक्टोरियल है तब हम क्या करते हैं, n(n-1)(n-2) राइट, अप टू जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको कम करते रहते हैं। ये बात होती है जब फैक्टोरियल सिर्फ एक ही बार दिया गया हो, राइट। लेकिन तब क्या होगा जब हमें फैक्टोरियल 2 बार दिया गया हो एन डबल टाइम फैक्टोरियल, तब हम क्या करेंगे, तब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या एन एज इट इज रहेगा, राइट। फिर जो आएगा ना वो आएगा n-2, राइट। फिर आएगा n-4, ये भी अप टू क्या, अप टू 1, राइट। 1 तक हम इसको कम करते रहेंगे। ये हुआ डबल फैक्टोरियल की बात, राइट। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे एन ट्रिपल फैक्टोरियल तब क्या होगा, तब इस फॉर्मूल में और चेंज आएगा, वो हो जाएगा n(n-3) n-6 अप टू 1, राइट। और अगर आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे n में से, वो कौन सा नंबर आएगा वो कैसे पता चलेगा, तो वो आएगा यहाँ पर जितने टाइम फैक्टोरियल दिया गया है उतने से हम शुरू करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 1 टाइम फैक्टोरियल दिया गया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे n-1, फिर उसमें से 1 बात करेंगे n-2 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर डबल टाइम फैक्टोरियल दिया गया, 2 टाइम फैक्टोरियल दिया गया है, तब हमने क्या किया n-2 किया, फिर और 2 बात किया तो n-4 हो गया, राइट। यहाँ पर देखिए 3 बार फैक्टोरियल दिया गया है तो हमने क्या किया n-3 किया, n-6, राइट। जितने टाइम फैक्टोरियल दिया गया हो उतना हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे आगे, कहाँ तक, अप टू 1 तक, राइट। तो ये नोट कर लेना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है 8 डबल फैक्टोरियल (8 ट्रिपल फैक्टोरियल) डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल, राइट। इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो देखिए अगर आपको इस फॉर्मूले के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स के अंदर सोल्व कर लोगे, इसलिए इस फॉर्मूले का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले अगर बात करूँ एन डबल फैक्टोरियल की, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन डबल फैक्टोरियल की जगह 8 अगर मैं पुट करूँ तो क्या होगा, सबसे पहले एन विच मीन्स 8, फिर 8-2 (6), 8-4 (4), फिर होगा 8-6 (2), राइट। फिर 8-8 क्या हो जाएगा, 0। तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, अप टू 1 तक ही, राइट। फिर क्या होगा एन ट्रिपल फैक्टोरियल, 8-3, 8-6 ऐसे, राइट। तो 8-3, 5-6 (2), अगेन 2 तक, राइट। तो यह होगा 8 डबल फैक्टोरियल, यह आया 8 ट्रिपल फैक्टोरियल। और डिवीजन में 8 फैक्टोरियल से सबको पता है 8×7×6×5×4×3×2×1। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 8 से 8, 6 से 6, 4 से 4 (2), फिर अगेन 5 से 5। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 8, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ बचा 8, और डिवीजन में क्या बचा, 7/3/21। सो 8/21 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सॉरी यहाँ पर 2 भी बचा है, राइट। यहाँ पर 8×2 विच मीन्स 16/21 क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इन फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको पता चला। अगर फिर भी आपको इसमें कोई क्वेरी या डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।